तेजस्वी यादव के सामने जो भी बागी विधायक है वो गिरगिराते रहेंगे, लेकिन अब पार्टी ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि उनकी सदस्यता नहीं बचाई जाएगी। सियासत में जो लोग धोखा देते हैं उन्हें सियासत के ही अनुसार सबक सिखाया जाता है। दरअसल जब इंडिया गठबंधन की सरकार को लेकर के कई जगहों पर मीटिंग चली, चाहे वो पटना में मीटिंग हो या मुंबई में मीटिंग हुई हो या ये कि और जगहों पे मीटिंग हुई, दिल्ली में मीटिंग हुई है, लेकिन उस मीटिंग से हट करके एक बात की जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई इस दौरान वो ये थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां पर बिहार में आरजेडी का साथ छोड़ा, कांग्रेस का साथ छोड़ा और वो बीजेपी के साथ चले गए। इसी दौरान आरजेडी के नेता ने कहा कि खेला होगा और उसी खेल के दौरान आरजेडी के कई सारे विधायक जेडीयू में चले गए, चाहे वो उसमें आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी हो या ये कि शिवहर के चेतन आनंद हो या प्रहलाद यादव हो, ये सब लोग इस खेमे से आरजेडी का दामन छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड में चले गए थे। अब जबकि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 22 शुरू होगा तो उसकी शुरुआत से पहले इन लोगों की सदस्यता खत्म की जाएगी और हमने ये कहा कि पहले ऐसा हो सकता है कि वो उनको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अब आरजेडी ने, पार्टी ने, तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से मूड बना लिया है कि इन लोगों की सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा स्पीकर के सामने सिफारिश पेश की जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि दल बदल कानून के जो अधिनियम है उसके तहत इन लोगों की सदस्यता रद्द की जाए, इसलिए कि इन्होंने पार्टी से बगावत की और बगावत के साथ साथ इस्तीफा भी नहीं दिया और उस खेमे में चले गए, इसलिए इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, इनकी इनको सदस्य रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कि जनता ने चुन करके भेजा था हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर और ये उनके साथ चले गए, इसलिए इनकी सदस्यता हटाई जाए। लेकिन अब ये खबर अंदर से आ रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने अब ये साफ तौर पर उनकी पार्टी ने ये मन बना लिया है कि जो भी बागी विधायक हैं, जो जिन लोगों ने भी आरजेडी को धोखा दिया फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले, उस दिन भी जो इधर से उधर भागे, उन लोगों को अब आरजेडी किसी कीमत में माफ नहीं करेगी। उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए बिहार विधानसभा के स्पीकर को सिफारिश करेगी और उनसे कहेगी कि इन लोगों की सदस्यता दल बदल कानून के तहत जो है रद्द कर दी जाए, इन्हें हटा दिया जाए और हो सकता है फिर वहां पे उपचुनाव होगा। तो कुल मिलाकर के तेजस्वी और उनकी पार्टी ने पूरी तरह से इरादा बना लिया है कि बागियों को अब बख्शा नहीं जाएगा।